मैं आपके साथ में आरजे अनमोल हूँ एंड टुडे आई हैव अ फिल्म मेकर विद मी जिनकी फिल्में देखकर उस वक्त की पीढ़ी जवान हो रही थी मेरी जान एंड ही इज स्टिल लुकिंग सो यंग रवि टंडन राइट नाउ विद मी इन द स्टूडियो. उस वक्त 50s में फिल्में आप कौन सी देख रहे थे, किनके फैन थे? भाई एक्चुअली अगर मैं सच बोलूं ना तो मैंने कभी सोचा था कि मैं फिल्म लाइन में आऊंगा और नहीं मैं कोई फैन था किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट का. अच्छा. बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो फॉर मेडिसिन. माय एल्डर ब्रदर मुझसे पूछने लगे, हाँ तो रवि क्या तुम्हारी मर्जी क्या? क्या था, मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ, एक बार फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहता हूँ. अच्छा. कहने के भाई अगर कुछ नहीं हुआ तो. मैंने कहा साहब गिव मी 3 years मगर एक प्रॉमिस करता हूँ कि अगर बन के नहीं आया तो बिगड़ के नहीं आऊंगा. आई स्टार्टेड माई करियर एज एन एक्स्ट्रा. जो फादर से प्रॉमिस किया था कि साहब बिगड़ के नहीं आऊंगा. क्या बात. मैंने कहा ड्रिंक उस दिन करूंगा जिस दिन मेरी पहली पिक्चर सक्सेस होगी. आयशा ये हुई ना बात. जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी अनहोनी सक्सेस हुई है ना, आई डिड चीयर्स. क्या बात है. दिस फिल्म इंडस्ट्री इज वेरी जनरस, वेरी जनरस. बट अगर आप नहीं सुधरे तो ये अपना क्रूरपना भी दिखा देती है. हमें कुछ उर्दू में डायलॉग मिले भाई अनमोल, हम नहीं बोल पाए. जैसे साइलेंट होता था हमें पसीने आ जाते थे. एक बार, दो बार, तीन बार, 16 बार हुआ. दैट डायरेक्टर लॉस्ट इज, उन्होंने जो गाली दी आई विल नॉट रिपीट इट. निकालो इसको बाहर, ये सेठ किस किस को भर लेता है. एंड आई कुड हियर व्हेन आई एम वॉकिंग आउट. अब देखिए क्रूरिटी देखिए फिल्म इंडस्ट्री की. आफ्टर 5 years आई वाज डायरेक्टिंग बलिदान. और ये चक्का अब मैं सेट पे आया, सडनली मेरी निगाह पड़ती द सेम डायरेक्टर स्टैंडिंग एज एन एक्स्ट्रा. हमारे राइटर हुआ करते थे बालकिशन मौज, उनको मैंने बुलाया बिकॉज ही न्यू हिम वेरी वेल. मैं डॉक्टर साहब मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, इनको बोलिए मेकअप रूम में जाकर बैठ जाए. केंद्र भी वो कहते हैं कि अगर मैं मेकअप रूम में बैठा रहा तो आज के मुझे पैसे नहीं मिले. अनमोल में उठा बिकॉज ही वॉज अ डायरेक्टर. आई वेंट टू हिम एंड मैंने कहा सर मैंने ये शॉर्ट डिविजन की. सर नहीं नहीं सर क्या बात है? आप यकीन मानेंगे वो आदमी फपक फपक के रोया मेरे कंधे पे. आई वॉज वर्किंग एज एन एक्स्ट्रा. मुझे मालूम था यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है और मैं ये भी समझ गया था कि मैं एक्टर नहीं बन सकता हूँ. आई वॉन्टेड सम अपॉर्चुनिटी. उस जमाने में शाम को हम लोग चर्च गेट पे राउंड मारा करते. मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था नेपोली में एंड समबडी टोल्ड मी कि ही इज आर के नैयर. पता नहीं मेरा दिल क्या बोला. आई वेंट टू हिम सर यू आर मिस्टर आर के नैयर. आई एम टोल्ड यू आर स्टार्टिंग ए पिक्चर सो इफ यू कुड गिव मी सम एनी जॉब असिस्टेंट जॉब एनीथिंग ऑन वन प्रॉमिस कि आई विल वर्क ओनली फॉर 6 months विद यू एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड आई विल लीव माय सेल्फ. ओके. उन्होंने कहा नहीं मिस्टर टंडन, मिस्टर रवि मेरी पहली पिक्चर है, मेरे सब आई वॉन्ट टू कीप सम एक्सपीरियंस असिस्टेंट. आई वेंट टू माय टेबल. उनके भाई के पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने कहा यार दिस बॉय सीम्स टू बी फ्रॉम अ गुड फैमिली, पढ़ा लिखा है, यार तू 3rd-4th असिस्टेंट रख दे. दैट इज द टर्निंग पॉइंट. ही कॉल्ड मी टुमारो एट 9:30 यू कम टू फिल्म वाला स्टूडियो. दैट वॉज माई बिगिनिंग एंड दैट हिज ब्रदर इज एडमिरल नैयर, केवल नैयर इन सेकेंड इन नेवल कमांड मिस्टर केवल नैयर. हम लव इन शिमला गए थे, मेरा नाम नहीं था लिस्ट में, आई वॉज 3rd assistant. हम शिमला तो पहुंच गए, ना असिस्टेंट मेकअप मैन था न कॉस्ट्यूम वाला. देर वॉज नो मेकअप मैन. 4 बजे मेरी ड्यूटी थी दादा दातार के साथ. दिन भर जितना मैं भाग सकता था कंट्रोल करना क्राउड ये वो. शाम को मैं नये साहब के होटल में पहुंच जाता था, सर कल का मुझे डायलॉग्स दे दीजिए ताकि मैं आर्टिस्टों को दे दूं. साधना बैठी हुई थी, साधना के फादर मदर नैयर साहब. मैं गया रवि यू सिट हियर एंड हैव अ ड्रिंक विद मी. अब सर बात करते हैं खेल खेल में जो है फिल्म का जो म्यूजिक था
पंचम दा और आपका कॉम्बिनेशन जो इसमें निकल कर आया, मतलब दैट इज ग्रेट गोस टू आरडी वर्मा जी. व्हाट यू रिकॉल अबाउट द सिटिंग? पर मैं बहुत बताऊं ना. हाँ बताइए. जब वो ट्यून सुनाता था तो वो ये नहीं सोचता था कि अप्रूव कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं, वो आपकी शक्ल देखता था. अच्छा. रवि जी एक दिन और बैठते हैं, एक दिन और बैठते. अच्छा. फिर उसके बाद जो रिकॉर्ड करता था, ओहो वही नशा आ जाता वही नशा आ जाता था. वो, 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 वो,